कैनेडियन यूट्यूबर अनमोल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ एक मेडिकेटेड सनस्क्रीन, जो मुझे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है, जो मैंने टेटनॉइड क्रीम के ऊपर बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप वो चेक कर सकते हो मैंने फर्स्ट टाइम वो कैसे यूज़ की है। और उस पर 90% कमेंट्स आप लोगों ने मुझे ये दिए हैं कि कौन सी हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए किसी भी मेडिकेटेड, जब कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है या टेटनॉइड क्रीम के साथ। तो हेयर आई एम, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक सनस्क्रीन लेके जो एक डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेड है, और साथ ही में एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, वो जिसकी स्किन एक्ने प्रोन भी है और साथ में ऑयली भी है। तो हम जब मेडिकेटेड क्रीम कोई यूज़ कर रहे होते हैं, हमारी पीलिंग हो रही होती है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप हो, ये चीज़ें होती ही होती है, चाहे ऑयली स्किन हो। तो मैं आप लोगों के लिए एक सनस्क्रीन लेके आई हूँ डॉक्टर रिकमेंडेड, वो है एपीसॉफ्ट एसी मॉइस्चराइजर विद माइक्रो एनकैप्सुलेटेड सनस्क्रीन। तो इस प्रोडक्ट का अगर आप लोग कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देख लेना। और साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को जो है स्किप मत करना। आप लोग स्किप कर देते हो और कोई इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे देती हूँ वीडियो में, पर आप लोग फिर से कमेंट करके वही सेम चीज़ पूछते हो, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्किप मत करना। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दे दूँगी, अगर आप वीडियो कम्प्लीटली देखोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पहले हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों हम यही सनस्क्रीन यूज़ करें जब हम एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है UVA एंड UVB SPF 30 एंड बूस्ट स्टार 4। अगर आप ये क्रीम चेक करोगे, ये आपको अमेजोन और नाइका वेयर पे मिल रही है, अगर आप नाइका वेयर पे चेक करोगे ना तो 90% लोगों ने भी इसको 5 में से 5 पॉइंट्स दिए हैं। आप सोच सकते हो किसी क्रीम को, किसी सनस्क्रीन को 5 में से 5 मिल रहे हैं, तो वो कितनी अच्छी होगी और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के होगी। और साथ ही में ये पैराबेन फ्री है, ये फ्रेगनेंस फ्री है, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, आई थिंक और क्या चाहिए। बात कर लेते हैं अब इसके टेक्सचर की। तो फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली लाइट वेट फॉर्मूला है, बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल नॉन ग्रीसी, आपको बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होगा। इवन ग्रीसी फील नहीं होता है तब भी ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है आपकी, चाहे ऑयली स्किन है या आपकी ड्राई स्किन है या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, सभी स्किन टाइप पे ये सूटेबल है। ये वैसे ऑयली स्किन टाइप के लिए, बट मैं ये बोलूँगी कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और मुझे भी ये सूट हुआ है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए भी सूटेबल है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी सूटेबल है, कॉम्बिनेशन वालों के लिए भी सूटेबल है। तो तीनों में से कोई भी स्किन टाइप है आपकी तो आप ये बाय कर सकते हो, आपको ये सूट ज़रूर करेगा। और साथ ही में जो है ये एक ऐसा टेक्सचर है ना कि आप अगर लगाओगे ना तो बहुत ही ईजिली ये स्प्रेड हो जाता है, ये नहीं कि यहाँ पे रह गया ज़्यादा थिक हो गया, यहाँ पे थिक हो गया, नहीं, बहुत इवनली ये ना स्प्रेड हो जाएगा आपके पूरे फेस के ऊपर। और साथ ही में बहुत ही खास चीज़ मुझे इसमें ये लगी है कि ये ना वाइट से जो पैचेस छोड़ देता है, स्कार्स से छोड़ देता है, एक सनस्क्रीन अगर हम लोग यूज़ करते हैं ना, पिंकिश वाइट सा एक स्कार्स आ जाते हैं फेस के ऊपर, पता चल जाता है कि आपने कुछ लगाया है, तो इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नेचुरल लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ लगाया ही नहीं है, बल्कि आपको बहुत मॉइस्चराइजिंग भी इवन फील करेगा, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके प्राइसिंग की। तो ये आपको 400 या 415 का कुछ ऑनलाइन में मिल जाएगा, मेडिकल शॉप पे भी आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन चेक करना है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आपको इसमें 75 ग्राम्स का प्रोडक्ट मिलेगा और ये जो बॉटल है 2 मंथ्स अराउंड चल जाती है, आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट ना खाली हो गई है और थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बचा है, तो मैं भी इसको नया फिर से बाय करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने जो है इसका एक पी साइज अमाउंट लेके अपने पूरे फेस के ऊपर डॉट डॉट करके लगा लेना है। लगाने के बाद आपने अच्छे से जो है मसाज करनी है, आपने तब तक मसाज करनी है जब तक ये सनस्क्रीन अंदर कंप्लीटली अब्सॉर्ब ना हो जाए। और साथ ही में जब भी आप बाहर जा रहे हो ना, धूप में जा रहे हो, तो आपने 15 से 30 मिनट पहले इसको अप्लाई करना है। और अगर आप बाहर जो है काफी देर तक रह रहे हो तो 3 से 4 घंटे के बाद ना आपने फिर से सनस्क्रीन जो है रीअप्लाई करना है सेम तरीके के साथ। अब मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ रीअप्लाई करने के, रीअप्लाई इसलिए करना है क्योंकि जो कोई भी सनस्क्रीन हो ना वो 3 से 4 घंटे का ही असर आपके स्किन के ऊपर करेगा। एंड अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो, जैसे टेटनॉइड का ट्रीटमेंट दे रहे हो या डी मेलन के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हो, मेलाग्लो के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो वो क्रीम्स क्या करती हैं, वो आपके स्किन को पील कर देती हैं और न्यू सेल्स को क्रिएट करती हैं। तो आपके न्यू सेल्स एक तरह से होते हैं बेबी सॉफ्ट स्किन
आप कह सकते हो, जैसे छोटे बच्चों की स्किन होती है ना, बिल्कुल वैसी हो जाती है और वो बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है। तो हमने डैमेज नहीं करना है, अपने बेबी सॉफ्ट स्किन को संभाल के रखना है, इसलिए हर 3 से 4 घंटे के बाद हमने इसको दोबारा से रीअप्लाई करना है अगर हम बाहर हैं तो। अगर घर पे हैं देन नो प्रॉब्लम, आप मॉर्निंग में एक अप्लाई करो, नाइट में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट इसकी हो रही है, नहीं तो आप कोई मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं नाइट में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो फटाफट से एक लाइक कर दो और साथ ही में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और रेड बटन से एक रेड बटन जरूर कर देना, बिल्कुल ना भूलना ये चीज़। साथ ही मेरी ये वीडियो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो अगर आपको लगता है उन लोगों को भी इस सनस्क्रीन की जरूरत है। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।